इस बार जब इंडिया गया, इस बार जब भारत गया, मेरे घर वालों के साथ मैंने बहुत सारे लम्हे बिताए। कुछ लम्हे जो मैंने कभी 22 साल से नहीं बिताए थे। कुछ ऐसे मोमेंट्स बनाए, कुछ ऐसे मेमोरीज बनाए जो हमेशा दिल में रहने वाले हैं। कैसा है? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में जब इंडिया आए थे। वापस जाने का वक्त आ गया है। एंड अभी रोहन किरण माने की गाड़ी में बैठे हैं हम। एंड वी हैव जानवी सागर विद अस। और इसको आपने जाना रहेगा प्रीवियस व्लॉग्स में, शिरडी जब गए थे एंड ऑल दैट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिकेथलॉन, थोड़ा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। वापस यूके जाने की यूके जाने का टाइम आ गया है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बहुत सारी चीज़ें फील की है। एंड आज काफ़ी सालों बाद जब एक ऐसे प्रॉपर जगह पे आते हैं, कुछ अचीव करके आते हैं एंड वापस वही जगह पे बैठते हैं एंड यंगस्टर्स को देखते हैं, टीनेजर्स को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। ऐसा लगता है वी हैव लेफ्ट अ पार्ट ऑफ आर चाइल्डहुड बिहाइंड इन द पास्ट और आगे बढ़ रहे हैं। एंड पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। करियर सेट करना ही है, सक्सेसफुल बनना ही है, ये सब के आड़ में हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। आज कोई एक जगह पे पहुंचा है या अचीव किया है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वांट टू अचीव मोर, जो बहुत सही है चीज़। पर कभी कभी ऐसा लगता है अपने लोगों के साथ वक्त बिताने से सब सही हो जाता है, जो वो रील में भी बोला जाता है। एंड लिटरली आफ्टर गोइंग थ्रू द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, शायद वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉज इन इंडिया, पता नहीं ये व्लॉग मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, बट एक मेमोरी के लिए आई वॉन्ट टू रजिस्टर दैट ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ या 2 दिन इसके पहले जब मैं इंडिया में था इतना ऑल दिस टाइम ऑल दिस वाइल, तभी थोड़ा एक लोएस्ट फेज था मेरे जिंदगी में, सबसे वर्स्ट फेज था शायद 22 ईयर्स ऑफ माई लाइफ में। ये बहुत गंदा फेज आया था मेरे जिंदगी में ये, बट कोप अप करने की कोशिश की, अभी भी कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बोलते हैं ना अपने लोगों के साथ सब सही हो जाता है। एंड आगे देखते हैं जर्नी में और कौन से नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, बिफोर 2022 एंड्स आई हैव लर्नड अ लॉट इन माई लाइफ एंड वो मैं अप्लाई करूँगा मेरे आगे के ज़िंदगी में। तो मोस्टली देखते हैं कि आगे ज़िंदगी कैसे जाती है। और मैं और मेरे स्कूल फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ बोलते थे जब हम लोग स्कूल में थे कि ज़िंदगी गुलजार है और वो अच्छी रहेगी। एंड वी हैव रोहन किरण माने इन द हाउस अगेन, और बस इतना चेंज करने के लिए उसने 20 मिनट लिए है, आधा घंटा लिया है। एंड अभी जाएंगे हम लोग डिकेथलॉन मलाड। तो इंडिया जाना सफल तो रहा पर एक सीख भी मिली, और वो सीख क्या थी सुनिए। लम्हे, कुछ लम्हे बस एक बार जिए जाते, कुछ लम्हे बस एक बार जिए जाते हैं, नींद टूटने से पहले सपने सजाए जाते हैं। काश वो वक्त थम जाए जब मैं चाहूं, काश वो वक्त थम जाए जब मैं चाहूं, तो एक बार फिर वो लम्हे दोहराऊं। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन्स, हार्ट ब्रेक्स और क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन्स, हार्ट ब्रेक्स और क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, इस मुश्किल भरे वक्त हाँ खुद को संभालना पड़ा। सुबह के सवेरे में दिखाते बेफिकर हैं हम, सुबह के सवेरे में दिखाते बेफिकर हैं हम, रात के अंधेरे में गमों से जूझ रहे हैं हम। इस 2022 ने सच्ची बहुत कुछ सिखा दिया, इस 2022 ने सच्ची बहुत कुछ सिखा दिया, जिनसे बेशुमार प्यार किया उन्होंने ही हम पर वार किया। एहसास और शब्दों के जाल में फंस के, एहसास और शब्दों के जाल में फंस के हमने खुद ही को औरों के लिए त्याग दिया। परिवार सबसे बड़ी ताकत होती है इसका मतलब जाना, परिवार सबसे बड़ी ताकत होती है इसका मतलब जाना। माँ बाप की खुशी देख के
अपना रोना भूल गया। भाई बहनों के साथ मिलकर जब बचपन के किस्सों से मिला, सच कहता हूं खुशी को छोड़ के संतुष्टि से खिला। दोस्तों के बारे में क्या ही लिखूं, सुनिएगा, दोस्तों के बारे में क्या ही लिखूं, दोस्ती करना अपने दोस्तों से ही सीखूं। शायद सुख में आसपास कभी ना दिखे, शायद सुख में आसपास कभी ना दिखे, पर दुखों में मैं साथ ही रुके। छोड़ दे अपना शहर अपना देश, निकला फिर से खुद को खोजने। एक बार फिर छोड़ दिया अपना शहर अपना देश, निकला फिर से खुद को खोजने। चोटे तो बहुत खाई और देखे शरीर पर बहुत घाव, चोटे तो बहुत खाई और देखे शरीर पे बहुत घाव, पर इस बार कोई तोड़ नहीं सकता, इस बार कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अनुभव से चलाएंगे जिंदगी की नाव, अनुभव से चलाएंगे जिंदगी की नाव।